अयोध्या बाबरी मस्जिद फैसले को लेकर पूरे देश सहित सीहोर में भी अलर्ट घोषित किया गया है। जिला प्रशासन ने धारा लागू करते हुए अपनी निगरानी तेज कर दी है। कलेक्टर अजय गुप्ता ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसी के साथ ही कलेक्टर और एसपी ने शहरवासियों से शांति की अपील की है। इस दौरान पुलिस की सोशल मीडिया पर पैनी नजर रहेगी। वहीं एसपी एसएस चौहान ने आष्टा में शांति समिति की बैठक ली। एक मुद्दा अलग है, पर इस शहर आष्टा शहर की जो परंपरा हमने पिछले 10 माह में देखी है, बड़े ही सौहार्द, मिलनसारिता और मेल भाव की है। इसके बावजूद अगर कोई छोटा मोटा असामाजिक तत्व, जो समाज का बहुत छोटा पार्ट होता है, अगर कोई हरकत करेगा, तो माननीय डीएम साहब के निर्देशन में इतनी सख्त व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है कि हम चाहेंगे तो किसी मोहल्ले को पैक कर देंगे, हम चाहेंगे तो किसी मोहल्ले को खोल देंगे। बाहर से पर्याप्त बल आ रहा है, सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए विशेष उपकरण आ चुके हैं, और मोहल्ला मोहल्ला हमने समिति बना ली, जो पुलिस की मदद करेंगे, जो प्रशासन की मदद करेंगे या जो इन्वेस्टमेंट करेंगे। और बांड ओवर करने के लिए माननीय डीएम साहब ने बता दिया कि 10,000 का बांड नहीं होगा, कम से कम 50,000 रुपये का बांड होगा। इसी प्रकार से धारा 144 लागू कर दी गई है, पर मुझे लगता है कि इस शहर में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ के जो प्रगतिशील जनता है, प्रगतिशील मीडिया है, यहाँ का जो मिलनसारिता का माहौल है, ऐसा कुछ होगा नहीं, और होगा तो बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ उसे कुचल दिया जाएगा, ताकि अगले 10 साल तक वो अपना सिर न उठा सके। अभी मीडिया के बंधुओं के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जितने भी वर्ग हैं, समुदाय हैं, जितने भी यहाँ के समाजसेवी हैं, हमारे आष्टा के जो सिटीजन्स हैं, उन सब से शांति की अपील है। शांति बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, प्रशासन पर भरोसा रखें, आपसी मिलनसारता को, आपसी एका को अपने किसी भी प्रकार की भ्रांतियों को बिल्कुल भी हवा ना दें, और कोई भी अफवाह यदि सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से अगर आती है तो प्रशासन को उसको अवगत कराएं। पर्याप्त कानून में इसकी व्यवस्था है कि यदि कोई भी भ्रांति या शरारती तत्व समाज में विद्वेष फैलाने की अगर कोशिश करेगा तो उसे बहुत ही सख्ती से टैकल किया जाएगा। और मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में सिर्फ आष्टा को ही नहीं बल्कि सीहोर को, सभी सीहोर के ज़िलेवासियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सीहोर शांति का टापू था, शांति का टापू रहेगा, और आप लोग अपनी जो नियमित दिनचर्या है उस नियमित दिनचर्या को आप करते रहिए। सीहोर से EMS TV के लिए राहुल मालवीय की रिपोर्ट।